में भी हैं, हर जगह इंसानी हकूक के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मैं इस पे मुतमईन हूँ कि हमारी हुकूमत जो कर सकती है वो करने जा रही है। जित हमने पे डाले हैं, जिधर गैप्स थे कवानीन में, हमने आप देखें पाकिस्तान वाहे हमें 6 मुल्कों में से है या 7 ममालिक में से जिन्होंने ट्रांसजेंडर का कानून पास किया है प्रोटेक्शन के लिए और उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा कानून दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरा को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव स्टेमन साहब। तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है वो सरासर गलत है, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनलाइज हो गया और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई उसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है ट्रांसजेंडर्स को और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और अगर पाकिस्तान हक देता है अपने शहरी को कि वो अपनी तीसरी आइडेंटिटी चूज करें तो ये उनका हक है। और हमारे पासपोर्ट में और आईडी कार्ड में ये है थर्ड चॉइस आइडेंटिटी की, वो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल फिर से विक्टिमाइजेशन और अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट से। सो वी अपोज इट। सर्कुलेट किया है लेकिन बहुत सारे बिल इस हाउस में आए हैं जिसमें कुछ में जो मुत्तफिका पास हो चुके हैं, जो सेनेट से आए हैं, जो मैंने भी उस पर करारदाद जमा की है। और मुझे याद है जमीत कमर साहब ने कहा नहीं हमने नहीं देखा, ये हमारा हक है कि इसको कमेटी में जाना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे हक है कि इसको कमेटी में जाना चाहिए और हमारे मेंबरान कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। ये तो ठीक है फिर सेनेट कानून साजी करो, इसी तरह हम उसको पास करते जाए, हम पढ़े ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये अगर हम एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं और एक कानून साज इदारे में हम बैठे हैं तो हर मेंबर का ये हक है, एज अ जुमात नहीं, एज अ पर्सनल भी।